अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस ये देखिए बंदर बैठा और ये इसका बच्चा छोटा सा है, बहुत क्यूट लग रहा था तो मैंने इसको इसकी वीडियो बना ली थी। और मेरे यहाँ जो है बारिश हो रही है और तो ये यहाँ मैंने बनाया था मिक्सी रोटी और चटनी, और ये बेसन की रोटी है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी रोटी की चटनी बनाया था और ये मैंने मिर्ची का अचार बनाया था। तो यहाँ पर मैंने दो मिर्चा लिया है और अब मैं जा रही हूँ खाने। और मैंने ये मिक्सी रोटी बनाया था तो ये बेसन की है, इसे मैंने मक्खन लगाया है। और बारिश इस तरह हो रहा है झिमझिम झिमझिम, तो कभी कभी इस तरह की मतलब चटनी रोटी खाना, सिंपल खाना बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि आज बना लो, तो हमने बनाया। फिर बच्चों ने भी बहुत शौक से खाया और हमने भी खाया। तो जब बारिश होती है या सर्दी का मौसम आता है तब फिर बेसन की रोटी और चटनी सबकी फेवरेट बन जाती है। डेली नहीं, बस बीच बीच में बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी मसालेदार भिंडी, तो मैंने इस भिंडी को पहले धुल के कट कर लिया था। उसमें नींबू और हल्दी और नमक लगा के मैं वही इसको रख रही हूँ। मैं हमेशा सिंपल सी भिंडी बनाती हुई थी, तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अलग बनाते हैं। तो मैंने इसको मिक्स करके रख दिया था, 5 मिनट के लिए रख दिया था। इसके बाद मैंने इसको हल्का सा ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद मैं इसको फ्राई करके निकाल लूँगी। और नींबू का मैंने इसमें नींबू का रस डाला था और हल्दी और नमक डाला था, तो इससे भिंडी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। और इसमें जो आपस में भिंडी चिपकती है तो वो चीज़ नहीं था, ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे मैं मसाले ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 स्पून के करीब मैंने बेसन को भून लिया था और उसमें मैं ये मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मसाले आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए स्वाद के। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी ली थी और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून के करीब ही मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया था। और मैंने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बनाया था, तो मैंने यहाँ पर मसालों को बघार दिया है। और मसालों को बघारने के लिए मैंने यहाँ पर हल्का जीरा और 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची मैंने ये यूज किया था। और इसके बाद में मैंने मसाले डाल दिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन और प्याज इसका पेस्ट बनाया था उसको मैंने ऐड किया। इसके बाद फिर मैंने ये हल्दी धनिया लाल मिर्च को ऐड किया, इसको मैंने चलाया। चलाने के बाद में थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किया और दही भी ऐड किया। मसाला भून के फिर मैं इसमें भिंडी को डाल के 1-2 मिनट तक चलाऊँगी। और चलाने के बाद मैं ढक कर धीमी आँच में 5 मिनट तक गैस पर रख दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये इस टाइम बज रहा है, ये शाम का टाइम है और इस टाइम अब जाके मुझे फुर्सत मिली सुबह से। कल मेरे यहाँ धूप हुई थी तो फिर कल मैंने गेहूँ को सारा दिन सुखलाया और आज जो है सुबह से सब गेहूँ को मैंने साफ़ किया। मतलब इसके पहले मैंने धुला था तो सब साफ़ हो गया था, लेकिन उसको फिर भी देखना था कि कुछ ना हो, तो फिर उसको मैंने सब चाल चाल के साफ़ किया। और अभी आटा पिसा के मेरा बड़ा बेटा अली लेके आया, और जो पहले कपड़े थे उसको भी सब मैंने धुल सुखा लिया। और आज जो थोड़े और कपड़े थे उसको भी सब धुल लिया, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं है कि इस टाइम बारिश होने लगे। और कल तो बहुत तेज़ धूप थी, कल गेहूँ बिल्कुल सूख गया था, लेकिन आज तो धूप ही नहीं हो रही थी, मतलब हो रही थी फिर बदली हो रही थी। और 1 हफ्ते बाद मेरे यहाँ बारिश कल जाके निकली है, नहीं तो रात से लेकर सुबह सारा दिन झिमझिम झिमझिम बारिश हो रही थी और हवा में भी ठंडक आ गई थी। लेकिन कल जो है, और मेरा गेहूँ 1 हफ्ते से रखा हुआ था, सूख ही नहीं रहा था। मैं बहुत परेशान थी कि इसको कब मैं सुखलाऊँ कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सूखा था, बहुत बिल्कुल आटा पिसाने वाला नहीं था। लेकिन कल फिर मैंने उसको सुखा लिया और आज जो है आटा पिस के आ गया। अब फुर्सत हो गया मुझे थोड़े दिन के लिए।
और इसलिए मैंने कोई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे चैनल को पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हमेशा दुआ में याद रखिए। या इस टाइम शाम हो रहा है तो यहाँ पे अभी थोड़े बहुत कपड़े तो फैले हैं, दिखाती हूँ आपको बाहर का। ये सब देखिए, सब शाम को सब हो गया, ऐसे हो गया। बारिश हुई थी ना, ये तुलसी है, ये तुलसी है और अलवीरा है, सब पेड़ कितने हरे हरे लग रहे हैं ना, ये पौधे अच्छे लग रहा है। सोचिए मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना के आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और आप लोग मेरी भी चैनल पे जो भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं भी मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए और मैं सोचती हूँ अपनी रोज़ की लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन एक वीडियो में पोस्ट करती हूँ बहुत मुश्किल से इतने व्यू आते हैं तो थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं डाउनलोड होने लगता है। चलिए फिर इंशाल्लाह आप सब मेरी वीडियो पर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।